स्नेहा तो शायद क्लास से छूट गई, फिर से ज्वाइन कर लेगी। एलजेब्रा में हम क्या करते हैं, वी यूज लेटर्स एज नंबर्स, ठीक है, वी यूज लेटर्स एज नंबर्स। जैसे हमारे लेटर हैं ए बी सी, दीज वी यूज एज नंबर्स। ये तो आपने पढ़ा था। फिर एक्सप्रेशन में हमने जैसे एक्सप्रेस किया, यहाँ पे मैं देख दिखाता हूँ तुम्हारे, तो हमने क्या किया था हमने लास्ट टाइम, जैसे है 3x, मान लो मैं लिखता हूं 3x इज इक्वल टू 18, ओके। अब इसमें ये भी एक एक्सप्रेशन है, और क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है इसलिए इसको हम इक्वेशन भी बोलते हैं। अब ये एक एक्सप्रेशन भी है और एक इक्वेशन भी है। अगर मैं बोलूंगा इसमें, अगर मैं बोलता हूँ एक्स की वैल्यू बताओ, फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स है, एक्स जो है एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। सर तो कैसे है? सिक्स इट इज मल्टीप्लाई थ्री तो हम देख रहे हैं 3x, 3x जो है इज इक्वल टू 18। 3x का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 18। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अपना माइक बंद ही रखो, मानसून हमारी कुछ शोर मचता है। एक्स का कैसे वाइंड, जब हम, अगर हमारा एक्स जो है हमारे लेफ्ट साइड में है, तो जब हम लेफ्ट साइड में केवल एक्स रखेंगे तो हमारे को वैल्यू मिल जाएगा। तो उसका मतलब है, अगर मैं इस 3x को, ये जो 3x है, अगर इक्वेशन में दो साइड है, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, इस लेफ्ट साइड में अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं इस पूरे को, तो इसको इक्वल रखने के लिए मुझे राइट साइड में भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल रहेगा। अब देखो लेफ्ट साइड में मैं 3 से क्यों डिवाइड किया, कि ये ऊपर मल्टीप्लीकेशन है नीचे डिवीजन है, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में मेरे को सिर्फ एक्स मिल जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 6, तो मेरे को एक्स की वैल्यू मिल गई। यानी कि जो हमारे इक्वेशन में ऑपरेशन हो रहा था वेरिएबल के साथ, एक्स वेरिएबल, इसके साथ क्या ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का, तो उस ऑपरेशन का मैंने इनवर्स कर दिया नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लिकेशन के बदले उसको डिवाइड कर दिया, और दोनों साइड से मुझे डिवाइड करना पड़ा तो मेरे को आंसर मिल गया। अगर अब हम देखें कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये वाला क्वेश्चन था 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब इसमें x जो है वो दोनों साइड है, लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि ये जो एक्स है इसको हम एक ही साइड लाना चाहते हैं, एक ही साइड में, या तो लेफ्ट साइड रखो या राइट साइड पे रखो,
सो हम क्या कर सकते हैं, इस 2x को हम लेफ्ट में लाएंगे। या दूसरा तरीका सोचने का कि अगर राइट साइड को, जो राइट साइड है मेरे पास 2x प्लस 18, इसमें अगर मैं माइनस करूं 2x, क्यों माइनस सोच रहा हूं मैं कि फिर मैं इसको, ये प्लस 2x है और ये माइनस 2x है, इन दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूं। तो राइट साइड में जब मैंने माइनस 2x किया तो मुझे लेफ्ट साइड पे भी माइनस 2x करना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूं 3x माइनस 2x। अब ये प्लस 2x और माइनस 2x कट गया, लेफ्ट साइड में मेरे को मिला 3x माइनस 2x, 3 माइनस 2 इज 1x, और 1x इज इक्वल टू 18, 1x का मतलब ये x, तो x इज इक्वल टू 18। तो ऐसे ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अब आप ये वाला करो, सेकंड कॉपी में लिखो पहले, क्या क्वेश्चन है, 5x माइनस 3 नहीं, 5x नहीं है, 5t, बोलो साथ साथ में पढ़ो, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस, अब इसको हमने सॉल्व करना है। हाँ, सो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, यानी कि हमें टी वेरिएबल कौन है इसमें, वेरिएबल तो टी है, सो हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो कैसे करेंगे, शाबाश, कॉपी में करो, फिर मेरे को कॉपी का फोटो दिखाओ। संजना आप भी करो, शाबाश, बताओ संजना कैसे करेंगे नेक्स्ट स्टेप, माइक ऑन करो। सो टी, जो टी है वो हमारे पास दोनों साइड में, राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी, तो हम टी को एक ही साइड पे रखना चाहते हैं। या तो आप राइट वाले को कैंसिल कर दो या लेफ्ट वाले को करो। अब मान लो ये जो राइट में है टी, इसको मैं हटाना चाहता हूँ, सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये प्लस 3t है, तो राइट साइड में ये जो पूरा राइट साइड है इसमें मैं माइनस 3t कर दूंगा, तो 3t यहाँ से हट जाएगा। अगर इसमें मैं सब्ट्रैक्ट करूं 3t तो मुझे दोनों साइड पे करना पड़ेगा, इस साइड भी करना पड़ेगा, इस साइड भी करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में 5t माइनस 3 लिखा हुआ है, तो मैं इस साइड भी इसको माइनस 3t करता हूं, और राइट साइड पे भी जो मेरे पास इक्वेशन है उसमें से माइनस 3t करता हूं। यानी कि मैंने राइट साइड में भी सब्ट्रैक्ट किया 3t को और लेफ्ट में भी सब्ट्रैक्ट किया, उससे क्या फायदा हुआ कि मेरे को ये प्लस 3t है और ये माइनस 3t है, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरे को क्या मिल गया यहाँ पे, माइनस 5, राइट साइड में माइनस 5।
और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, अब जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे ये 5t है और ये माइनस 3t है, इनको जब हम ऐड करेंगे क्या मिलेगा मेरे को सर? 3 नहीं, 3 कैसे मिलेगा, ये 5t है, 5t प्लस है और ये माइनस 3t है, जब हम इनको ऐड करेंगे यानी कि प्लस 5 और माइनस 3 को हम अगर आपस में ऐड कर रहे हैं तो क्या बचे, क्या मिलेगा? अब देखना चाहिए क्या बचेगा सर? माइनस थ्री कैसे होएगा, प्लस 5 और माइनस 3, एक प्लस है एक माइनस है, तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट, 3 में से 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2 ही बच गया, और जिसका ग्रेटर, जो ग्रेटर नंबर है उसका जो साइन है ये प्लस है तो 2 को भी प्लस मिल जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में मेरे को 2t मिलेगा, 5t माइनस 3t इज 2t और ये बीच में है माइनस 3, तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, 2t माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं लेफ्ट साइड में, अभी देखो आप अगर ध्यान से देखोगे, जब मैंने, जैसे मैंने यहां किया, मैंने यहां यहां पे मैंने इस 3t को हटाने की कोशिश की तो मैंने इसको माइनस किया, फिर लेफ्ट साइड पे भी माइनस किया, या तो ऐसे करो या तो आप ऐसे सोचो कि इस 3t को अगर मैं यहां ले आऊं दूसरी साइड तो इसका ऑपरेशन चेंज इनवर्स हो जाता है, यहां पे ऑपरेशन क्या है, ये एडिशन, ये यहां पे क्या ऑपरेशन है, ये पॉजिटिव 3 था, यहां पे नेगेटिव 3 बन गया और यहां से 3t हट गया, अब मेरे को मिला 2t माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 5, तो मैं क्या करूंगा, इस या तो इस नेगेटिव 3 को, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसको मैं यहां से यहां ले जाऊंगा तो लेफ्ट साइड में इस, यहां ये क्या है सब्ट्रैक्शन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये एडिशन, राइट साइड में है नेगेटिव 5 और ये नेगेटिव 3 यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा एडिशन, यहां से कट जाएगा, लेफ्ट में बचेगा 2t। अब नेगेटिव 5 और पॉजिटिव 3 को आपस में ऐड करो क्या मिलेगा सर? -1 माइनस 1 1 कैसे होगा बेटे? 2 छोटी छोटी गलतियां करते हैं, और लेफ्ट साइड में तो आपका 2t है, अब 2t इज इक्वल टू नेगेटिव 2, 2t इज इक्वल टू नेगेटिव 2, तो t किसके बराबर होगा, सर?